बहुत बहुत स्वागत है खुश जीवन के YouTube चैनल पर। नमस्कार, मैं मोनिका कालीरामन। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। जिन जातकों के नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे से आता है, उन सभी जातकों की राशि सिंह होती है, जो राशि चक्र में पांचवी राशि आती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य देवता है। इसका चिन्ह शेर जैसा है और इसका तत्व अग्नि है। जन्म पत्री के अनुसार आपके लगन चार्ट में आपका चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा होता है वो राशि आपकी मानी जाती है। इसी तरह सिंह राशि में आपका चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हुआ है, इसलिए सिंह राशि आपकी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के व्यक्तित्व के बारे में। सिंह राशि के लोग बहुत मजबूत होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, अपने बनाए गए सिद्धांतों पे चलना पसंद करते हैं, उत्साह से भरे होते हैं, उनमें बहुत एनर्जी होती है, तेज होता है, उनका पूरा शरीर सुडौल होता है, उनका माथा चौड़ा होता है और ये इनके अंदर एक अलग अट्रैक्शन, एक लीडरशिप वाला अट्रैक्शन होता है। इसके साथ साथ ये महत्वाकांक्षी ओवर एम्बिशियस होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। सिंह राशि वालों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, किसी भी समूह का, किसी भी ग्रुप का नेतृत्व करने में ये सबसे आगे होते हैं, किसी भी ग्रुप के सक्सेसफुल होने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है बिकॉज ऑफ इनकी लीडरशिप क्वालिटी। जो ये नेतृत्व करते हैं किसी भी समूह को, उसको टॉप पर लेके जाते हैं। सिंह राशि वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, भीड़ से अलग होते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। इनको पता होता है कि किससे किस तरह से बात करनी है, सामने वाले का फेस रीड कर लेते हैं, उसके हिसाब से ही ये बातें बोलते हैं कि सामने वाला समझ जाए कि इनकी बातें माननी ही ज़रूरी है। सिंह राशि के लोगों के बारे में एक बात और बताना मैं चाहूँगी। ये जैसे इस राशि का चिन्ह होता है शेर, तो शेर के भांति ये स्वाभिमानी, शक्तिशाली, और जब भी शेर को जब भी भूख लगती है तभी वो कुछ अटैक करता है, जब उसको भूख नहीं लगती तो वो शांत बैठता है। तो सिंह राशि वाले भी शांत बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, अनटिल अनलेस उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, और ये अपने किसी भी ग्रुप में या किसी समूह में उसको आगे ले जाने में तत्पर रहते हैं। बहुत इनका जो व्यक्तित्व होता है बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत सूझबूझ से ये सारे कदम उठाते हैं और अपने जीवन में सक्सेसफुल भी होते हैं, यानी कि इनको सफलता भी बहुत अच्छी मिलती है। इसके साथ साथ ये परिवार के लोगों के साथ, क्योंकि इनका जो बेसिक नेचर है वो डोमिनेटिंग है, दूसरों को कंट्रोल करने की इनमें पावर होती है, तो अपने घर में भी ये कंट्रोल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने दोस्तों पे भी ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। इसके साथ साथ इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि विपरीत लिंग के व्यक्ति इनके ऊपर आकर्षित होते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के व्यवसाय करियर के बारे में, ये किस टाइप का करियर, किस टाइप का व्यवसाय करना पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी पर्सनैलिटी एक डोमिनेटिंग नेचर वाली है, तो ये किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते। ये कोशिश करते हैं कि अपना रोज़गार, अपना व्यवसाय खुद अपने आप से शुरू करें, क्योंकि उसमें ये किसी के अधीन नहीं रह सकते। उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को ये डोमिनेंस से बहुत अच्छा कार्य करवा सकते हैं, अपनी कंपनी को उस ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जैसा कि ये सोचते हैं, जो इनका नेचर भी है एक लीडरशिप क्वालिटी वाला। इसके अलावा सिंह राशि वाले सरकारी, गवर्नमेंट की हायर पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, वहां पर अपना एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो ये अपने अंडर सभी लोगों को उनसे भी एक अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ सिंह राशि वाले राजनीति में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ये लोग IAS IPS की तैयारी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे काउंसलर एडवाइज़र बन सकते हैं, ये इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे अभिनेता कलाकार बन सकते हैं। इनमें बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है अपने आप को प्रदर्शित करने का। ये ऐसे कार्य करते हैं कि ये हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं।
अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के रत्नों के बारे में कि वो किस प्रकार का रत्न पहने जिससे उनकी आर्थिक और शारीरिक या किसी भी तरह की परेशानियां दूर हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति माणिक पहन सकते हैं, सनस्टोन पहन सकते हैं और बारामुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए एक छोटा सा उपाय जिसको करने से आपकी कुछ परेशानियां हल हो सकती है। तो आप करेंगे आदित्य हृदय स्त्रोत का डेली पाठ करेंगे। अगर आपके पास समय की कमी है और आप डेली नहीं कर सकते तो हर इतवार को आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे। कुछ लोगों को संस्कृत नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ी जाती है, तो वो अपना YouTube पे चला सकते हैं। इसके साथ साथ आप एवरीडे हर रोज सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। तांबे के लुटिया में थोड़ा सा शक्कर या गुड़ और लाल रंग की रोली डालकर आप अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य देते समय आप सूर्य का त्राटक करेंगे। अर्घ्य देने का समय 7 से 9 बजे के बीच में रहता है, इससे लेट आपका जो अर्घ्य है वो माना नहीं जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। सभी सिंह राशि वालों को उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार मिलेंगे एक नई राशि के साथ।